वेलकम टू माय चैनल लिव हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेथी का बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी एंड सॉफ्ट पराठा कैसे बनाएं। मेथी को डंठल से अलग कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे वॉश करें। वॉश करने के बाद हम उसका पानी अच्छी तरह से सीव की हेल्प से निकाल देंगे। आटा लेकर हम उसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, साल्ट और कटी हुई हरी मिर्च, और इन सबको आटे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आटे को थोड़ा लस्सी या दूध डालकर गूंदें तो पराठा बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा। इस प्रकार आटा गूंदकर हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर आटे को हमने दोबारा से गूंदना है और इसको इतना गूंदें कि आटा सॉफ्ट हो जाए और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाए। तो हमारा आटा परांठा बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हमने इस गूंदे हुए डो की लोई बनानी है और इस प्रकार लोई बनाकर हम इसे बेल लेंगे। तवे पर रखकर हम दोनों साइड से पहले इसको पका लेंगे अच्छी तरह से, और पकाने के बाद हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे तो हमारा पराठा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ और इसके बाद दोनों साइड ऑयल लगाएंगे तो पराठा बहुत ही क्रिस्पी एंड सॉफ्ट बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।